अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 के ऊपर बात करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोऑर्डिनेट पर। आप लोगों को इसका आइडिया लास्ट 3 लेक्चर से पता चल गया होगा। हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड में भी बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी, डेरिवेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी। तो आज हम लोग इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन हो सकता है कि कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए। तो हम लोगों ने इसे एज अ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह से देखा। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये टाइप्स किसकी हैं, कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर बात की। अगर हम लोग यहाँ पोलर और नॉन पोलर के ऊपर देखें कोवलेंट बॉन्ड में, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें हम लोगों ने बात की HCl की, उसके अलावा H2, Cl2, Br2, इन सब की एग्जाम्पल हम लोगों ने ली किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में। यानी जिन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड। अब हम लोग बात करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में। तो पोलर एंड नॉन पोलर में जाने से पहले पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है जी, हम लोग बात करते हैं। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन हेट्रो एटम इज नॉन एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एंड द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन होमो एटम इज नॉन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट हो, यानी ऐसा बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने उसे हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड या हेट्रो एटम। और दूसरा हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर, ऐसा बॉन्ड जो किसके दरमियान बने, सिमिलर एटम के दरमियान बने, उसे हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग पोलर की बात कर लेते हैं। तो पोलर में हम लोगों ने NaCl की एग्जांपल ले सकते हैं, HCl की एग्जांपल ले सकते हैं, उसके अलावा KBr की एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज इट इज़ फॉर्म बिटवीन हेट्रो एटम या इट इज़ फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम। तो उसमें हम लोग ये बात करेंगे, यहाँ क्लोरीन और HCl की एग्जांपल ली हुई है। तो क्लोरीन, अब हम लोग लास्ट 3-4 लेक्चर से बात कर रहे हैं क्लोरीन किस ग्रुप से, ग्रुप नंबर 7 हैलोजन्स, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन किस से, फर्स्ट ग्रुप से, एल्कली मेटल से। हम लोग ये बात करते हैं ये दोनों क्या करेंगे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, क्योंकि इसके पास 7 हैं, ये मिल जाए तो क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक है, अगर एक और मिल गया तो कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग डुप्लेट रूल कहते हैं। तो इस तरह इन दोनों का डुप्लेट, उसका डुप्लेट और उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, और म्यूचुअल शेयरिंग के एंड पे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और वो इस टाइम कौन सा बॉन्ड होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन डिफरेंट या हेट्रो एटम। तो उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, हम लोगों ने एक बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या देखा था हम लोगों ने, ऐसी एबिलिटी जिसमें एक जो एटम है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड प्लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन इसमें हम लोग ये देखते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इस साइन को हम लोग डेल्टा कहते हैं, आप लोगों को यहाँ पे बुक पे भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसके ऊपर क्यों पार्शियल नेगेटिव आ गया, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया है, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा आप लोग HF की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। HF में हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। ये देखिए सेम है, हम लोग लेकर जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, हैलोजन फैमिली से। तो इसके पास 7 होंगे, एक और इसे चाहिए, तो इसके पास क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड में एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, आप लोग वहाँ से उसको दोबारा देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके तरफ, नॉन पोलर। एक तो ये डिफरेंस हो गया पोलर और नॉन पोलर में, कि नॉन पोलर बनता है बिटवीन सिमिलर एटम और पोलर बनता है बिटवीन डिफरेंट एटम। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि जब वो दोनों डिफरेंट होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन्हीं के दरमियान होगी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नॉन पोलर में, तो ये किनके दरमियान बन रहे हैं, सिमिलर या होमो एटम्स के दरमियान। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है H2 की, O2, Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो। तो हम लोग ये देखेंगे हाइड्रोजन के, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड तो बना लेंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो अगर हम लोग ये देखें, अगर जितनी इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी, तो इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा किन में, नॉन पोलर में, लेकिन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पे मौजूद है। तो हम लोग ये देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया किसकी, ऑक्सीजन की, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों क्या करेंगे, ये शेयरिंग में हिस्सा लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए दोनों के, कंप्लीट हो गए, इसलिए इसके ऊपर आता है O2-, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और होते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
तो हम लोग ये देखते हैं इनके दरमियान क्या बना चाहिए, किसके दरमियान बन रहे हैं, होमो एटम, ये भी एच है, ये भी एच, ओ ओ सी, अगर सी एल के ले लें तो ये भी क्लोरीन। तो इसका मतलब ये है कि बिटवीन होमो एटम्स बनते हैं, जब वो दोनों सिमिलर होंगे तो जितना एक का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी उतनी ही दूसरे की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी, तो दोनों में डिफरेंस हमारे पास एंड पे कुछ भी नहीं आया। लेकिन अगर हम लोग बात करें पोलर में तो इसकी और इसके इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें HCl में, तो हम लोग ये देखते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी 2.2 है और क्लोरीन की 3.2 है, तो अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो कितना बनता है, 1 डिफरेंस आता है। तो हम लोग ये देखते हैं इसका मतलब इनके दरमियान इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद था। लेकिन अगर यहाँ देखें जितनी इसकी होगी उतनी ही दूसरे ऑक्सीजन की होगी, तो हमारे पास कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम लोग लास्ट आप लोग ये देखना है कि अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आती है, एमसीक्यूज में भी आते हैं कि अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाए, यानी अगर 1 से या 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो बॉन्ड बन जाता है आयनिक बॉन्ड, तो फिर वो कोवलेंट बॉन्ड रहता ही नहीं है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो, जैसे इस केस में 1 है, तो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक, अगर वो 1.7 से कम हो तो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो आप लोगों का नेक्स्ट पेज 65 पेज पे उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं जो हम अभी तक कर चुके हैं, तो आप लोगों ने टेस्ट योरसेल्फ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने यहाँ तक बनेंगे अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट हम लोग मेटालिक बॉन्ड के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।